दोस्तों, आप सबने वो मुहावरा जरूर सुना होगा कि कितना भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ समय बिता लो, जीवन का असली ज्ञान तो मूर्ख बनने के बाद समझ में आता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत पुरानी कहानी, एक छोटी सी कहानी। एक बार पृथ्वी लोक पे एक महिला की मृत्यु हो जाती है और यमराज अपने दूत को भेजते हैं उस महिला की आत्मा को लेकर के आने के लिए। दूत जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो उस घर का माहौल देख करके वो चौंक जाता है। वो महिला जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी तीन छोटी छोटी बेटियां थी जो उसके शव के पास में जो है रो रही थी, बिलख रही थी। घर में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, पति की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी, उन बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं था। ये सारा दृश्य देख करके जो यमदूत जो वहां पहुंचता है उसकी आंखें भर जाती हैं और वो बिना उस महिला की आत्मा को लिए हुए वापस जो है वो यमलोक पहुंचता है। और यमराज से कहते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि वहां नीचे क्या हो रहा है, आप नीचे का नजारा तो देखिए एक बार। उस महिला जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, उसके परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन बच्चों को देख सके, पति की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है, घर में पैसा नहीं है, गरीबी ही गरीबी है। ऐसे में उस मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस महिला की आत्मा को वापस लेकर जाऊं। यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि आप उस महिला की उम्र जो है और कुछ साल बढ़ा दो ताकि वो अपने बच्चियों को सही तरीके से पाल सके, पोस सके, उनकी शादी ब्याह कर सके। यमराज को जब यमदूत की बातें जब वो सुनते हैं तो यमराज को इनकी बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझसे भी बड़े हो गए हो, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझे ये बताओगे कि जीवन और मृत्यु किसकी कब तय करनी है। इन बातों को बोलने के बाद में यमराज जो है वो यमदूत से कहते हैं कि जो तुमने किया है ये सबसे बड़ा पाप है, तुमने इस प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश की है और इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और सजा के तौर पर यमराज यमदूत से कहते हैं कि तुम्हें वापस पृथ्वी लोक जाना होगा एक मनुष्य की के रूप में, और तुम्हें मनुष्य के रूप में वहां पे अपना जीवन जो है वो काटना होगा और यही तुम्हारी सजा है। और इस सजा से तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने किए हुए पर, अपनी भूल पर, अपनी गलतियों पर जब तीन बार हंसोगे तब जाकर के तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। यह श्राप देख करके, ये सजा देख करके यमराज जो है अपने दूसरे किसी दूत को उस महिला की आत्मा को लाने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। और ठीक उसी वक्त वह दूत जो है धरती पर उसी प्रदेश में, उसी देश में, उसी शहर में मनुष्य के रूप में जो है वो प्रकट हो जाते हैं। धरती पर सड़क के किनारे वो यमदूत एक फटे हाल अवस्था में एक गरीब व्यक्ति की तरह जो है वो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। ठीक उसी वक्त एक कारीगर जो जूतों का कारीगर था, जूते बनाता था, वो वहां से गुजरता है। दरअसल वो गांव से शहर आया था कि वो यहाँ पे आकर के ज्यादा संख्या में अपने जूते बेच सके और सर्दियां आ रही थी तो अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह खरीद सके, इस सोच के साथ में वो यहाँ शहर में कमाने आया था। जब वो उस यमदूत के पास से गुजरता है, जब उसकी हालत देखता है तो वो चौंक जाता है कि मुझसे भी गरीब व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, इसके पास तो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े भी नहीं है। और इस सोच के साथ में वो जाकर के पास के दुकान से ढेर सारे गर्म कपड़े और कंबल जो है उस व्यक्ति के लिए खरीदता है और ला करके उसको देता है। जब उसको कपड़े ला करके देता है तो उसको पता चलता है कि इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो वो कारीगर कहता है यमदूत से कि तुम चलो फिर मेरे साथ चलो, मेरे घर रहना जब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो वो यमदूत को लेकर के अपने साथ अपने गांव चला जाता है। रास्ते में वो यमदूत से कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं शहर जो है वो आया हुआ था अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल वगैरह खरीदने के लिए, गर्म कपड़े स्वेटर खरीदने के लिए मैं आया था, लेकिन जो पैसे मैंने कमाए थे वो सारे पैसे तुम्हारे कपड़ों के ऊपर में खर्च हो गए, तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैसे बचे नहीं, तो ये देख करके मेरी बीवी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, चुपचाप उसकी बातें जो है वो सुन लेना क्योंकि वो गुस्से में रहेगी और गुस्से में शायद वो बहुत कुछ बोल जाए तुम्हें। और ठीक ऐसा ही होता है, जब वो लोग घर पहुंचते हैं, जब बीवी देखती है कि उसके पास में बच्चों के लिए कोई स्वेटर कोई कपड़ा नहीं है तो वो चीखती है, चिल्लाती है और जम करके जो है कोसती है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसके पति के साथ आया हुआ था। यमदूत ये सब देखता है और देखने के बाद में जो है हंसता है, मनी मन हंसता है, सोचता है कि ये औरत आखिरकार क्या रही है, देवदूत जो है वो दरवाजे पर है, देवदूत जो है वो घर में आ चुका है, इसको पता भी नहीं कि अब कितना सारा पैसा, कितने सारे शोहरत दौलत जो है अब इस घर में आने वाली है और ये छोटे से चीजों के लिए, कपड़े के लिए, स्वेटर के लिए जो है वो मुझे कोस रही है, घर में इतना हंगामा कर रही है। उसको हंसता हुआ देख करके वो कारीगर पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? कहता अभी नहीं बताऊंगा, कुछ टाइम के बाद बताऊंगा। खैर वक्त गुजरता है, यमदूत जो है रहने लगते हैं उस व्यक्ति के साथ में, उस कारीगर के साथ में। वो कारीगर जो जूते बनाने का काम करता था उसके साथ में मिलकर के वो भी यही काम करने लगते हैं, लेकिन वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से जूते बनते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से चप्पलें बनती हैं कि देखते ही देखते जो है पूरे देश में उस कारीगर के नाम की जो ख्याति जो है वो फैल जाती है। अब ये ख्याति इतनी ज्यादा फैल जाती है, इतना धन दौलत बरसने लगता है, इतना पैसा आ जाता है उस घर में
कि उस देश का जो सम्राट था उस सम्राट के जूते भी अब इसी कारीगर के दुकान से बनने लगते हैं। और इसी बीच एक घटना घटती है, एक बार उस देश के जो सम्राट था उस सम्राट का एक दूत जो है वो उस दुकान पर आता है और साथ में चमड़ा लेकर के आता है, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा चमड़ा लेता था उसके पास में। कहते हैं देखो ये चमड़ा जो है बहुत खास है, बहुत ही खास चमड़ा है और राजा को ये जो चमड़ा जो है वो बहुत प्रिय है और इस चमड़े से उनके लिए जूता बनाना है, तो तुम इस चमड़े का इस्तेमाल करके जूता बनाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि चमड़ा बहुत थोड़ा सा है और बहुत खास है और सम्राट को ये चमड़ा बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर ये चमड़ा भेजा है मेरे लिए जूते बनाने के लिए, तो उनके लिए जूते बनाने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस देश में ऐसी प्रथा थी कि कोई भी व्यक्ति जीते जी जो है वो चप्पल नहीं पहनता था, चप्पल जो है वो मरने के बाद पहनाया जाता था और मरने के बाद चप्पल पहना करके उस शव को जो है वो मरघट तक ले जाया जाता था, ऐसी प्रथा उस देश में थी। तो दूत जो है सम्राट को वो कहता है कि ध्यान रहे कि चप्पल मत बना देना, जूता ही बनाना है इसका। लेकिन दूत जो जो यमदूत था उसको तो सारी बातें पता थी कि क्या होने वाला क्या नहीं, वो मन ही मन हंसता है मुस्कुराता है और वो उन चमड़ों का इस्तेमाल करके जूते नहीं बना करके चप्पल बना देता है। अगले दिन जब सम्राट का दूत उन जूतों को लेने के लिए आता है तो वो देखता है कि थोड़े से जो चमड़े मैंने इसको दिए थे उस चमड़ों का इस्तेमाल करके इसने जूते तो बनाए नहीं, इसने चप्पल बना दी। अब वो परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो भाई, तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हो क्या, तुम्हें पता था कि चप्पल नहीं बनानी है इस चीज की और मैंने ये भी बोला था कि चमड़ा बहुत खास है, सम्राट ने खास तौर पर चमड़ा अपने लिए मंगवाया था और तुमने इसका जो है वो जूता नहीं बना दिया, इसका तुमने चप्पल बना दिया, अब ये मैं चप्पल अब कैसे लेकर के जाऊंगा सम्राट के पास, अब तो मुझे बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, मुझे सजा मिलेगी। और वो गुस्से में इतना बौखला आता है कि वो लकड़ी लेकर के यमदूत को मारने के लिए दौड़ता है। ठीक उसी वक्त महल से सम्राट का एक नौकर जो है वो दौड़ता भागता हुआ आता है, कहता है कि देखो ऐसा तो नहीं है कि तुमने जो तुम चमड़ा लेकर के आए थे उसका तुमने जूता बना दिया है, क्योंकि उसका अब जूता नहीं बनाना, उसका चप्पल बनवाना है क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। जैसी ये बात सामने आती है यमदूत जो है वो चमड़े का जो चप्पल था वो ला करके सामने रख देता है कि ये लो जी भाई चप्पल जो है वो तैयार पड़ी हुई है। दूत इतना सोचता नहीं है, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो चप्पल लेकर के चला जाता है। कारीगर पूछता है करके कि भाई तुमने कैसे सोचा कि इसका चप्पल ही बनाना है, इसका जूता नहीं बनाना, तुम्हें कैसे पहले से बात पता थी। यमदूत इस पर फिर से हंसता है और कहता है अभी नहीं बताऊंगा, जब तीसरी बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। खैर दिन बीतते हैं, वक्त बीतता है, एक घटना और घटती है उस दुकान पे। एक दिन उस दुकान पे एक बूढ़ी महिला आती है जिसके साथ में तीन बच्चियां थी, तीन लड़कियां थी और काफी संपन्न घराने की वो महिला थी, काफी पैसे वाले घर की वो महिला थी। और वो तीनों बच्चियां आती हैं दुकान पर और कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है एक काफी बड़े ऊंचे घराने में, तो हमारे लिए बेशकीमती जो है वो चप्पले और सैंडल जो है वो बनाने हैं, तो आप मुझे मेरे लिए बना दो। यमदूत उन तीनों लड़कियों को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये तीनों लड़कियां वही बच्चियां हैं जिनकी माता की मृत्यु होने के बाद मैं इनके आत्मा को लेने के लिए आया था और जिसकी वजह से ये सारा जो सजा का जो प्रक्रिया चल रही है वो मुझे भुगतनी पड़ रही है। वो पहचान जाते हैं तो पूछते हैं उस बूढ़ी औरत से कि ये तीनों बच्चियां जो है वो आपकी क्या लगती हैं रिश्ते में। वो कहती है ये मेरी बेटी हैं और दरअसल ये मेरी अपनी बेटी नहीं है, ये मेरे पड़ोस में रहती थी लेकिन इनकी माँ की जो है वो मृत्यु हो गई और इनको पालने वाला कोई नहीं था और मेरी भी कोई संतान नहीं थी और मैं हमेशा भगवान से अपने लिए संतान मांगती थी, तो जब इनकी माँ की जब मृत्यु हो गई इन तीनों बच्चों को संभालने वाला नहीं था तो मैंने इन्हें ही अपना बेटी बना लिया और मैं इनको ही अपनी बेटी बना करके जो है वो पाल रही हूँ। यमदूत को सारी बात समझ में आ जाती है कि प्रभु का बनाया हुआ जो नियम है, प्रभु का बनाया हुआ जो सारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन अगर वो यमदूत आकर के उन बच्चियों के माँ की आत्मा को अगर लेकर के नहीं जाता तो शायद ये बच्चियां जो है वो जिंदगी भर एक गरीबी की जिंदगी जीती और शायद उनके साथ में इतना अच्छा जीवन नहीं बीतता जितना अच्छा जीवन वो उस महिला के साथ बिता रही थी, ना ही उनकी शादी जो है वो उतने अच्छे संपन्न घराने में हो सकती थी। तो चूंकि उस महिला की मृत्यु हुई उसके बाद ये बूढ़ी महिला अपने साथ में जो है इन बच्चियों को लेकर के आ गई और आज वो बच्चे जो है एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रही। दोस्तों छोटी सी ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम अपने जीवन में जब भी कुछ हो रहा होता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो सब कुछ पहले से तय है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच करके रखा हुआ है। तो बजाय इस बात को सोच करके परेशान होने की कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो होगा वो कैसे होगा और जो हो रहा है उसका फल क्या होगा, बेहतर होगा कि जो हो रहा है हम उसके उसको होने दें और उसके साथ में जो है पूरे ध्यान से अपने जीवन को बिताने के ऊपर में जो है वो ध्यान दें, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और आने वाले वक्त में जीवन में घटने वाली किसी भी घटनाओं के घटने से पहले आप उसके ऊपर सोच विचार करने से ज्यादा अपने जीवन को सही तरीके से बिताने के ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।